नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। ये इस तरीके का पहला ऐसा ब्लॉग है जब मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। तो मेरा नाम है देवेंद्र प्रजापति और आज के इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपना प्लेग्राउंड दिखाने वाला हूँ जहाँ पे कि मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ जो गेम्स खेले जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो स्क्रीन में, वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं और क्लोज ले जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये खेल है जिसमें कि गेंद को ऊपर उछाला जाता है, फिर ये इस तरह से खेल रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा व्यू। इस गेम का नाम है गेंद गुच्छक करके बोलते हैं इसे, यहाँ की देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। आई होप आपने कभी खेला होगा ये गेम। इसमें कितने भी प्लेयर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा प्लेयर इस गेम को खेलते हैं। और ये ग्राउंड है मथुरा का रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक और जगह है यहाँ पास में ही, तो यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिकेट। क्रिकेट का आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे पीछे एक फ्रेंडली मैच चल रहा है पीछे, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और पास से मैं दिखाता हूँ अभी। जी हाँ दोस्तों, ये गेम का नाम है गुल्ली गेंद गुच्छक। ये यहाँ की देहाती लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि ये बॉल से उस पर हिट करेगा, अगर वो उसमें बॉल लगता है तो फिर वो आउट हो जाएगा, फिर उसका चांस आएगा। अब जब तक ये आउट नहीं होता तब तक ये इसको बॉल में बल्ले से मारेंगे, बॉल जहाँ भी जाएगी वो वहाँ से लेके आएगा, फिर उनको मारेगा। फिर अगर बॉल नहीं लगती है तो ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है। तो ये है यहाँ का लोकल खेल जिसे कि हम लोग खेलते हैं। ये यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है एक, और बड़ी बात यह है कि जो प्लेयर बैटिंग कर रहा है उनका भी नाम धोनी है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। ये स्टंप नहीं है यहाँ पे, तो ये एक बड़ा सा पत्थर है, उसको रख के इन्होंने स्टंप बना लिया है अपना। और उस साइड एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, वहाँ भी स्टंप नहीं है। ये बॉलर बॉलिंग करा रहा है और यहाँ पे ये आउट हो चुके हैं। तो ये था हमारा ग्राउंड जहाँ क्रिकेट का भी मैच हो रहा है, और यहीं पास में मथुरा रेलवे स्टेशन है। जैसा कि मैं आपको बताया था पहले भी, हमारा ये जो ग्राउंड है वो अब ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो रेलवे ट्रैक पर गिट्टियाँ यूज होती हैं वो यहाँ पे लाके डाल दी जाती हैं, इस वजह से काफ़ी ग्राउंड ख़राब हो चुका है। और खेल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ मैं। ये है गुल्ली डंडा का खेल, आप देख सकते हो पीछे प्लेयर के हाथ में एक डंडा है और नीचे गुल्ली रखी हुई है, और ये खेल रहा है गुल्ली डंडा। आपने भी शायद कभी ये खेला होगा। और यहाँ पे भी कुछ लोग गुल्ली डंडा खेल रहे हैं पीछे, आप देख सकते हो। तो ये है हमारा ग्राउंड जहाँ पर हम खेल के बड़े हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से प्रॉपर खेला जाता है खेल। और ये यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसमें ये होता है कि पहले गुल्ली पे बल्ले से मारा जाता है, फिर जब गुल्ली उछल जाती है तो फिर उसमें बल्ले से हिट किया जाता है, फिर जितनी दूर भी जाती है उसका डिस्टेंस बैट के थ्रू मेजर कर नापते हैं उसे। और ये आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी के हाथों में एक एक डंडा लगा हुआ है खेलने के लिए।
ये गिल्ली है जो कि ये छोटू दिखा रहा है आपको, और ये भी गिल्ली है, और इनके हाथ में जो लगा हुआ है ये बैट है। तो यहाँ का ये लोकल गेम है, इसको मोस्टली ज़्यादातर लोग खेलना पसंद करते हैं क्योंकि बैट्स और फुटबॉल नहीं होती इन लोगों के पास में। तो ये यहाँ का लोकल ग्राउंड है जहाँ पे सुबह और शाम आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी, खास करके संडे के दिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही सुबह लोग आ जाते हैं ताकि वो पिच पर कब्जा कर सकें क्रिकेट खेलने के लिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। और ये सभी छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं यहाँ पे, सभी के हाथ में गुल्ली है, और ये खेलना बंद कर दिया है इन्होंने क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वजह से, हालाँकि अभी ये खेल रहे थे। कैसा इस तरह से ये गुल्ली डंडा का खेल होता है, उसने हिट किया इस तरह से, ये देखिए इस तरह से खेलते हैं इस खेल को। अब वहाँ पे गुल्ली पहुँच गई है, वहाँ से ये फेंकेगा उसको, अगर वो इस बैट में हिट करती है तो वो प्लेयर आउट हो जाएगा, नहीं हिट हुई तो ये फिर से कंटिन्यू करेगा इसी को, थोड़ा साइड में हो जाते हैं वरना गिल्ली से लग सकता है हमारे भी। अब वहाँ से ये फिर से उस बैट में हिट करेगा, अगर बैट में गुल्ली टच होती है जैसे कि अभी टच हो गई तो ये अब आउट हो चुका है, अब दूसरा प्लेयर खेलेगा जो भी जिसका भी चांस है। तो ये था यहाँ का लोकल गेम गुल्ली डंडा, आई होप आपने भी कभी खेला होगा ये। सभी भाई बहनों को राम राम, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब ये बच्चे भी आपको कुछ बोल के बताने वाले हैं, सुनिए उसे। सभी भाइयों को राम राम, एक्चुअली ये एग्जैक्ट वर्ड बोल नहीं पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये था हमारा ग्राउंड।